हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सीरीज अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 2021। सो अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 75 का सेशन। आई विश ऑल अ वेरी गुड लक एंड आई होप आप लोगों ने अपना द हिंदू और अपना द इंडियन एक्सप्रेस सारे पढ़ के बिल्कुल तैयार होंगे इसे करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Privacy protects heterogeneity and recognizes plurality and diversity of our culture. An invasion of privacy must meet threefold requirement of legality, need and proportionality. And you have to find the correct statement here. 1 and 3 only, 3 only, 2 and 3 only, 1 to 3 only. So let's see. आपको बताना है right to privacy, Article 21 से related क्या बातें सही हैं इसमें? Answer होगा इसका सी, विच मीन्स आपका 2 और 3 ठीक है, क्योंकि पहला गलत हो जाता है इस वजह से। राइट टू प्राइवेसी आपका इंटीग्रल पार्ट है आपका राइट टू लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का, जो कि आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो आपको जो पुट्टास्वामी केस था उसमें यही तो बात करी गई थी, के एस पुट्टास्वामी जो केस था उसमें यही तो बोला था कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी is an integral part of the article 21 which is right to life, integral part of article 21। so पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है क्योंकि उसमें नॉट लिखा है। दूसरा बिल्कुल ठीक है, प्राइवेसी आपका हेटरोजेनिटी प्रोटेक्ट करती है और प्लुरैलिटी और डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है। तीसरा बिल्कुल ठीक है, बहुत ही प्लेन स्टेटमेंट है बाकी दोनों तो, क्या दैट इट्स मस्ट मीट द थ्री फोल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ लीगैलिटी एंड नीड एंड प्रोपोर्शनैलिटी। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद उज़्बेकिस्तान, कौन उज़्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है? रशिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, कौन नहीं कर रहा है आपको ये बताना है। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका ए, रशिया नहीं कर रहा है। तो आपने द हिंदू में यह आर्टिकल देखा होगा और न्यूज़ भी देखी होगी कि जो क्वाड ग्रुप है इसे ना एक्सटेंड करने की बात करी जा रही है। और अब इसमें किस किस को इन्वॉल्व करने की बात करी जा रही है, अब इसको इसमें इन्वॉल्व करने की बात करी जा रही है किसको, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो फिर हमारे लिए कंट्रीज़ की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट जाती है क्योंकि न्यूज़ का पार्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी जो आपकी सुपर पावर है इन्होंने इन कंट्रीज़ को रिकोगनाइज़ करने की बात करी है, तो ये ऑब्वियसली आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैप में देखते हैं, ये है आपका उज़्बेकिस्तान, ओके, एंड देन हियर वी हैव कजाकिस्तान, हियर वी हैव तुर्कमेनिस्तान, एंड दिस इज़ तजाकिस्तान, देन दिस इज़ किर्गिस्तान, एंड नो इट्स लॉट ऑफ अस्तान, एंड दिस ऑल्सो अ नेबरिंग विच इज़ कॉल्ड अफगानिस्तान। सो याद रखिएगा अफगानिस्तान भी इसका नेबर है, तजाकिस्तान इज़ ऑल्सो इट्स नेबर, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान इज़ नॉट इट्स नेबर एंड नीदर रशिया। रशिया देख रहे हैं, रशिया तो कितना दूर है, बीच में आपका कैस्पियन सी पड़ रहा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर आपको एक और बॉडी फिर देखने को मिली, जब हमने मैप खोल ही दिया है तो कैस्पियन सी, सो हु आर बॉर्डरिंग विद कैस्पियन सी, सो अजरबैजान, वी हैव ईरान, देन वी हैव तुर्कमेनिस्तान, देन वी हैव कजाकिस्तान, देन वी हैव रशिया। सो ये सब आपकी कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। एक और वाटर बॉडी यहाँ पर दिख रही है, अराल सी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपका न्यूज़ का पार्ट हो जाता है कि इन दोनों के बीच में, तो आपको दिख रहा है कि कजाकिस्तान और आपका उज़्बेकिस्तान के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो आप ऐसे मैप को अपने एटलस में भी एक बार खोल के उसको एक बार बिल्कुल कलर से जितना भी गंदा हो सके करके अच्छे से उसको स्टडी करते रहे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डैश मे बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है किसी को, ओके, कि वो क्या करे अगर किसी भी इंटर स्टेट वाटर या इंटर स्टेट रिवर वैली को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसके यूज़ से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, कंट्रोल से लेकर, तो उसको सॉल्व करेगा। तो किसको पावर दी गई है, प्रेसिडेंट को दी है, प्राइम मिनिस्टर को दी है, पार्लियामेंट को दी है, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं दे रखी है? आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसे मिली हुई है। आंसर होगा इसका सी, विच मीन्स आपका पार्लियामेंट को पावर मिली है। सो आपका जो आर्टिकल 262 है यहाँ पे बात करी गई है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट की, जहाँ पे बोला गया कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर वैली। और पार्लियामेंट जो आपका डिस्कस करेगी वो नीदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी इन द कोर्ट इज टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच मैटर। सो उसमें औरों के ज्यूरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट कराया गया है, सिर्फ पार्लियामेंट को पावर दी गई है।
फिर इसी के बाद तो इसको क्योंकि पार्लियामेंट को पावर थी तो पार्लियामेंट ने इसके रिस्पेक्ट में फिर दो कानून बनाए, आपका रिवर बोर्ड एक्ट हो गया 1956 का, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है कि वो रिवर बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट करेगा, फिर यहाँ पे ही रिवर बोर्ड आपका रिक्वेस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट से कि कंसर्न टू एडवाइस दैम, फिर इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का, जहाँ पे आपका यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो एडहॉक ट्राइब्यूनल्स का आपका सेटअप करेगा, एडहॉक ट्राइब्यूनल्स का सेटअप करेगा, ओके, और वो इन ये जो डिस्प्यूट्स है इनको सॉल्व करेगा। यहाँ पे जो डिसीजन है वो फाइनल है, बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर, और ना कि किसी भी कोर्ट को इसको एक्सरसाइज करने की पावर दी गई। घट प्रभा एंड मल प्रभा आर वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, आपको बताना है किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, किसकी ट्रिब्यूटरीज है आपको बताना है। ये आंसर होगा इसका कृष्णा, तो घट प्रभा हो गई, मल प्रभा हो गई, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब आपकी कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज है। मैप में अच्छे से देख लेते हैं, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका कृष्णा रिवर का सिस्टम है, ओके, सो जितनी भी आपको दिखने हो गए, उज्जैनी हो गया, भीमा हो गया, तो ये आपकी कृष्णा रिवर आपको जाती दिख रही है, तो आपको दिख रहा है आप ट्रिब्यूटरीज इसकी जुड़ती जा रही हैं, कोयना हो गया, फिर यहाँ पे तुंगभद्रा हो गया, भद्रा यहाँ से निकल के फिर ये तुंगभद्रा बन रही है, फिर यहाँ पे ये नागार्जुन सागर आपको हमें देखने को मिला है, भीमा रिवर हो गई है ना, मांडिको हो गई, ओके, सो इस तरीके से ये इसका रिवर मैप है, आप इस बस को देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ का पार्ट था इसीलिए फिर यहाँ पे इसका डिस्कस हो रहा है। Which among the following is national correct about Udaan scheme? The scheme is aimed at enhancing connectivity to remote and regional areas of the country and making air travel affordable. It is a key component of the center's national civil aviation policy and launched in June 2021. आपको बताना है उड़ान स्कीम के बारे में, पहला किस स्कीम के थ्रू जो ऐसे रिमोट एरियाज हैं, मतलब ऐसे दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनको कनेक्ट करने का इसका एक मोटिव है, ठीक है। दूसरा, ये स्कीम आपका 2021 जून में लॉन्च हुई है, और ये आपका जो सेंटर ने आपकी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी निकाली ना, उसका ये कंपोनेंट है। सो आपको सही बताना है ए ओनली, बी ओनली, बोथ, या नन। आंसर होगा इसका ए ओनली, विच मीन सिर्फ आपको पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत इसमें जाता है क्योंकि ये अभी करनी है, ये पुरानी स्कीम है, ओके, सो पुरानी इन द सेंस ये आपका कब की है, 2016 की स्कीम है। बाकी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था, रिमोट और रीजनल एरियाज को ये कनेक्ट करेगा, ठीक, और इसके अंदर उड़ान फ्लाइट्स आर सब्सिडाइज फेयर एंड कैरियर्स आर प्रोवाइडेड, वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड ऑल। यहाँ पे आपको जो फंड प्रोवाइड हो रहा है वो आपका सेंटर स्टेट दोनों मिलके कर रहे हैं, और ये स्कीम आपका 10 साल के लिए चलाई जाएगी, फिर उसके बाद इसे एक्सटेंड करेंगे, तो इनिशियल जो उन्होंने टाइम फ्रेम रखा है ना, तो वो 10 साल का रखा है, उसके बाद इसे एक्सटेंड करते रहेंगे। बॉनगेविले बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट एंड पॉसिबली स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री एज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, आपको बताना है कि यह दुनिया की सबसे नई और स्मॉल कंट्री बनी है इंडिपेंडेंट पॉसिबली, तो ये कौन कहाँ पड़ती है, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, न्यू ब्रिटेन, नन ऑफ द अबव, तो आपको बताना है कहाँ पड़ती है ये। आंसर होगा इसका भी, ये आपका सोलोमन आइलैंड में पड़ता है, ओके, तो ये क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि ये बोलेंगे कि बोगेनविले जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, सो बोल देंगे कि ये किसी स्पाइडर का नाम है, किसी फॉसिल का नाम है, ये किसी ट्रिटी का नाम है, ओके, तो याद रखना है कंट्री है, न्यूएस्ट कंट्री है सोलोमन आइलैंड में। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल करेक्ट, मंगोलिया इज अ फुली लैंडलॉक्ड कंट्री, गोबी डेजर्ट इज फाउंड इन मंगोलिया, आपके ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ, या नन। अब बताना है क्या मंगोलिया फुली लैंडलॉक कंट्री है, मतलब किसी भी बॉर्डर बॉडी से बॉर्डर शेयर नहीं करती है, दूसरा मतलब बड़ी बॉर्डर बॉडी की बात करी मैं, छोटे मोटे तो होते ही हैं, दूसरा गोबी डेजर्ट आपका मंगोलिया में है या नहीं है। आंसर होगा इसका, ओके, इस आंसर होगा इसका बोथ, विच मीन्स आपकी ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होंगी, ओके, सो मंगोलिया आपका जो है फुली लैंडलॉक कंट्री होगी, ओके, और गोबी डेजर्ट में आपको, गोबी डेजर्ट तो हमने बचपन में भी पढ़ा है कि गोबी डेजर्ट आपका मंगोलिया में ही मिलता है, सो कौन कौन बॉर्डर शेयर करते हैं मंगोलिया के साथ, आपका चाइना आपको बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखेगा, ओके, आपको रशिया इसमें बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखेगा, ओके, सो ऊपर रशिया की तरफ को दिखता है ये ना आपका चाइना, आपको इसमें बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखता है, आपको रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखता है, तो ये किसी भी ना इधर आपका पैसिफिक ओशन पड़ गया जिसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इधर से आपका चाइना आ गया, ओके, इधर से भी नहीं कर पाए क्योंकि इधर से और कंट्रीज आ जाती हैं, फिर कजाकिस्तान वगैरह। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 इम्पावर्स दी डैश, किसको इम्पावर कर रहा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, कि वो एडहॉक ट्राइब्यूनल का सेटअप करे ताकि वो दो या दो से स्टेट के बीच में जो भी आपका वाटर को लेकर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव,
तो किसको पावर दी गई है 1956 के एक्ट में? अगेन, अब ये पीछे वाली स्लाइड्स थी, अगर आपने पीछे ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये आ जाएगा। आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो ऑप्शंस में क्या था? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर उसको भी नहीं है, पार्लियामेंट उसको भी नहीं है। अब आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है ना, और यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड यूज है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ किया गया है, तो या दो से ज़्यादा, ये सब हमने पीछे पढ़ लिया। लेक विक्टोरिया शेयर्स बॉर्डर्स विद, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? केनिया, सोमालिया, तंजानिया, साउथ सूडान। आपको बताना है लेक विक्टोरिया में से किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आपके ऑप्शन है ए बी डी बी सी एन, बी सी ओनली, ए एन सी ओनली, ए बी सी डी। आंसर होगा इसका सी, विच मीन ए एन सी। तो ये देखिए, ये रहा आपका लेक विक्टोरिया, किस किस के साथ कर रहा है? यहाँ पे युगांडा के साथ कर रहा है, केनिया के साथ कर रहा है, तंजानिया के साथ कर रहा है, तीन ही कंट्रीज हमें देखने को मिल रही है। ओके, रवांडा आपका इधर हो जाता है, बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? ओके, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन मेंबर नहीं है? अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, कौन मेंबर नहीं है इसका? आंसर होगा इसका ए, विच मीन्स अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, कि शंघाई कॉर्पोरेशन जो है आपका, उसका अफगानिस्तान मेंबर नहीं है। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच गाइज़।